सोलन में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस वर्चुअल तौर पर मनाया गया। आपको बता दें कि दुनिया भर में इसे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों को अपनाने की घोषणा की थी, जिसकी घोषणा साल 1950 में की गई थी। भारत में मानवाधिकार कमीशन की स्थापना 1993 में की गई। तभी से हम इस दिवस को धूमधाम से मनाते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि उनके मानव अधिकार क्या हैं, ताकि कोई उनके साथ भेदभाव ना हो सके। अधिक जानकारी देते हुए कानून अधिकारी मनोज चौहान ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। ये दिवस सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिवस से हमें पता चलता है कि हमारे अधिकार क्या हैं। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता से जीने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है, उसे हमें मानवाधिकार कहते हैं, जिनके आधार पर कोई भी हमें नस्ल, रंग, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, राष्ट्रीयता और अन्य विचारधारा आदि के आधार पर प्रताड़ित नहीं कर सकता। इसमें स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। मानवाधिकार ही है जिसकी वजह से सभी सुरक्षित हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, हम उसका एक हिस्सा हैं। आपको पता है यूनाइटेड नेशंस, तो 10 दिसंबर 1948 को जो है ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार का जो गठन है वो यूनाइटेड नेशंस द्वारा किया गया, और इसी चीज को जो है भारत ने 1993 में 28 सितंबर 1993 को एक्सेप्ट किया, इसको इंट्रोड्यूस किया, और 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन जो है वो भारत में किया गया। वैसे ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें, मानवाधिकार की बात करें, तो ये अधिकार जो है कोई किसी से छीन नहीं सकता और ना ही ये अधिकार कोई किसी को दे सकता है। ह्यूमन राइट्स आप विश्व के किसी भी कोने में हो तो आपको उपलब्ध रहते हैं, और ह्यूमन राइट्स हमेशा सेम ही रहते हैं। अब अगर बात करें तो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, मानवाधिकार क्या होते हैं, फ्रीडम के साथ ज़िंदगी जीने को जिस चीज़ की भी आवश्यकता होती है वो ह्यूमन राइट्स के ही दायरे में आते हैं। जैसे राइट टू इक्वालिटी, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 में दिया गया है, आपको समानता से जीने का अधिकार है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, जो आर्टिकल 15 जो बात करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और इसी चीज़ का जो है ह्यूमन राइट्स में भी इस चीज़ का प्रोटेक्शन जो है वो लोगों को उपलब्ध करवाई गई है। कोई व्यक्ति अगर चाहे तो किसी भी देश की जो है वो नेशनैलिटी ले सकता है, ये भी आपका ह्यूमन राइट है। आपको कोई इलीगली डिटेन नहीं कर सकता, ये भी आपका ह्यूमन राइट है। आप अपनी चॉइस के किसी एडवोकेट को एंगेज कर सकते हैं, ये भी आपका ह्यूमन राइट है। और यदि मान लीजिए कि आपको किसी केस में अगर कोई अरेस्ट करता है तो वो लीगल अरेस्ट होना चाहिए, आपको कोई इलीगली डिटेन नहीं कर सकता, इलीगली अरेस्ट नहीं कर सकता, ये भी आपका ह्यूमन राइट है। जब तक कि आपके विरुद्ध कोई अपराध अगर सिद्ध नहीं होते हैं तब तक आप निर्दोष माने जाएंगे, ये भी आपका ह्यूमन राइट है। इसी प्रकार जो है हर स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया गया है, तथा हर डिस्ट्रिक्ट में भी ऑफिसर्स अवेलेबल हैं जहाँ पे जो है अपने साथ हुए अगेंस्ट जो भी ह्यूमन राइट की वॉयलेशन है उसके अगेंस्ट में जाकर के आप कंप्लेंट कर सकते हैं।